भारत की पहली क्रिकेट टेस्ट टीम के कप्तान कोट्टारी कंकैया नायडू की फिटनेस खिलाड़ियों के लिए एक मिसाल रही है। सीके नायडू के नाम से मशहूर कोट्टारी कंकैया नायडू उस उम्र तक क्रिकेट खेलते रहे जिसके बारे में सोचना आज के खिलाड़ियों के लिए दिवा स्वप्न जैसा है। उनकी उस समय की फिटनेस आज के उन खिलाड़ियों के लिए एक सबक है जो 37-38 साल की उम्र में रिटायर होने लगते हैं, जबकि सीके नायडू ने उस उम्र में टेस्ट मैच खेलना शुरू किया था। वो 68 साल तक फिट रहकर क्रिकेट खेलते रहे थे। सीके नायडू का जन्म 13 अक्टूबर 1895 को नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। कर्नल कोट्टारी कंकैया नायडू को प्यार से सभी लोग सीके कहकर पुकारा करते थे। भारत के पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में वो भारतीय टीम के कप्तान थे। ये मैच 1932 में इंग्लैंड के विरुद्ध खेला गया था। हालांकि इंग्लैंड की टीम पूरी तरह से मजबूत थी, लेकिन सीके नायडू की कप्तानी में भारतीय टीम ने जमकर उनका मुकाबला किया। सीके नायडू का कद 6 फुट से भी ऊंचा था। वो दाहिने हाथ के खिलाड़ी थे। उनकी शारीरिक बनावट किसी एथलीट की तरह थी, इसलिए वो अपने जोरदार स्ट्रोक और तेज हिट के कारण विरोधियों के खेल के दबाव को कम कर देते थे। होलकर महाराज ने उनकी शारीरिक मजबूती को देखते हुए उन्हें अपनी सेना में कैप्टन बनाया और यहीं से वो कर्नल सीके नायडू बन गए। वर्ष 1926-27 में उन्होंने खासी लोकप्रियता हासिल कर ली थी जब उन्होंने मुंबई में 100 मिनट में 187 गेंदों पर 153 रन बना लिए थे, जिनमें 11 छक्के और 13 चौके शामिल थे। ये मैच हिंदू टीम की तरफ से AER गिलिगन की MCC के विरुद्ध वो खेल रहे थे। मुंबई के जिमखाना मैदान पर हिंदू टीम के लिए उनकी आखिरी पारी पर उन्हें चांदी का बल्ला भी भेंट किया गया था। क्रिकेट जब अभिजात और राजा महाराजाओं का खेल हुआ करता था, तब उन्हें इंग्लैंड जा रही भारतीय टीम का कप्तान बनाया जाना एक प्रसंग ही था। वर्ष 1932 में उस टीम के कप्तान पोरबंदर के महाराज थे, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से वो नहीं जा पाए और फिर कर्नल सीके नायडू को भारतीय टीम का पहला कप्तान बनने का गौरव हासिल हो गया। सीके नायडू ने आंध्र प्रदेश केंद्रीय भारत, केंद्रीय प्रोविंसेस एंड बरार, हिंदू, होलकर यूनाइटेड प्रोविंस और भारतीय टीमों के लिए क्रिकेट खेला। 1932 में इंग्लैंड दौरे के दौरान सीके नायडू ने प्रथम श्रेणी के सभी 26 मैचों में हिस्सा लिया था, जिनमें 40.45 की औसत से 1618 रन बनाए और 65 विकेट लिए। 1933 में सीके नायडू को विजडन द्वारा क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया था। सीके नायडू के नाम किसी एक सीजन में इंग्लैंड में सर्वाधिक छक्के और खासतौर से किसी विदेशी खिलाड़ी के द्वारा लगाए जाने का ये रिकॉर्ड भी है। 1932 में सीके नायडू ने कमाल का खेल दिखाते हुए 32 छक्के लगाए थे। हालांकि सीके नायडू का अंतरराष्ट्रीय करियर बहुत छोटा रहा, उन्होंने सिर्फ 7 टेस्ट मैच खेले, लेकिन भारतीय क्रिकेट जगत में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया। उनकी इस उपलब्धि के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा 1956 में पद्म भूषण प्रदान किया गया था। पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले सीके नायडू भारत के पहले क्रिकेटर थे। भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयां दिलाने वाले सीके नायडू का 14 नवंबर 1967 को इंदौर में निधन हो गया। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें। धन्यवाद। देखते रहिए वाइटिंग एंटरटेनमेंट।